क्लास सिक्स का ये सवाल है, क्लास सिक्स। एक बार सवाल मैं फिर से पढ़ देता हूँ। किसी त्रिभुज में थ्री कोण ए बराबर फोर कोण बी बराबर सिक्स कोण सी दिया गया है ना, और इनके तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। और इसे यदि इंग्लिश में समझोगे तो इस प्रकार से समझोगे, इन ए ट्रेंगल ए बी सी थ्री एंगल ए इज इक्वल टू फोर एंगल बी इज इक्वल टू सिक्स एंगल सी, देन फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल। ऑलराइट, अब इसे समझते हैं कि इसे किस प्रकार बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि दिया गया है, थ्री कोण ए बराबर फोर कोण बी बराबर फोर सिक्स कोण सी। ऑलराइट, तो यहाँ से आप एंगल बी और एंगल सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे थ्री कोण ए बराबर फोर कोण बी दिया गया है, इसलिए कोण बी बराबर आप थ्री बाई फोर कोण ए लिख सकते हैं। एम आई राइट, कोई दिक्कत? कोण बी बराबर क्या निकला? थ्री बाई फोर कोण ए। इन द सेम वे जब आपका थ्री कोण ए बराबर सिक्स कोण सी दिया गया है, तो यहाँ से कोण सी बराबर आप थ्री बाई सिक्स कोण ए लिख सकते हैं, या इसे आप काट के वन बाई टू कोण ए भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपको कोण बी और कोण सी का मान ए के फॉर्म में पता चला कि कोण बी को यदि ए के फॉर्म में निकालेंगे तो कितना होगा, थ्री बाई फोर कोण ए, और कोण सी को एंगल सी को ए के फॉर्मेट में यदि निकालेंगे तो वो ए बाय टू यानी ए का हाफ होगा। ऑलराइट, अब आप चूंकि जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एम आई राइट, सही है ना? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ऑलराइट, अब इसमें आप सबका मान डाल दीजिए। एंगल ए कितना दिया गया है, 3। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना निकला, 3 बाई फोर। एंगल ए प्लस कोण सी कितना निकला, 1 बाई टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों कोण को ए के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, तीनों कोण को ए के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, ए को तो ए ही लिखोगे, ए को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप कर लो तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 4 और 2 का एलसीएम। तो यहाँ पे 4 एंगल ए प्लस 3 एंगल ए, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल राइट, शोरगुल कीजिएगा, पढ़ाना बंद कर देंगे। शोरगुल करना है तो बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9। कैसे 8 होगा जरा बताओ, 9 कोण ए बाई 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल राइट, यहाँ से आप निकालिएगा 9 एंगल ए इज इक्वल टू 180 इंटू 4, समझ रहे हैं। इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू 180 इंटू 4 बाय 9, 9 से 180 कट जाएगा 20 टाइम्स में, कोई दिक्कत, 20 इंटू 4 80 डिग्री। एंगल ए कितना निकला आपका, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए कितना निकला, 80 डिग्री, ठीक है। एंगल बी बराबर कितना दिया गया है,
थ्री बाई फोर इंटू एंगल ए, थ्री बाई फोर एंगल ए, तो इसको थ्री बाई फोर इंटू 80 कर दीजिए, काट दीजिएगा 20 टाइम्स में कट जाएगा, 4 से कटेगा ना, तो कितना हो गया 60 डिग्री। ऑल राइट, एंगल बी कितना निकला 60 डिग्री, एंगल सी कितना दिया गया है 1/2 एंगल ए, यानी 1/2 इंटू 80, इसको भी काट दो 40 टाइम्स में, तो एंगल सी कितना निकला 40 डिग्री, यानी एंगल ए 80, एंगल बी 60 और एंगल सी 40, तीनों मिला के 180। कोई दिक्कत समझे? फिर भी यदि किन्हीं को कोई डाउट है, यदि समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।